लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। धर्म और आस्था के नाम पर पाखंड करने वाले बाबाओं की हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है। और मजे की बात तो यह होती है कि ऐसे बाबाओं की दुकान बहुत जल्दी फलती फूलती है, क्योंकि इनके पीछे पॉलिटिकल सपोर्ट भी होता है। कई ऐसे बाबाओं के चरणों में आपने बड़े बड़े नेताओं को दंडवत होते हुए देखा होगा, और आज के दिनों में एक युवा बाबा सबसे अधिक चर्चा में है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। बागेश्वर धाम सरकार के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त है, क्योंकि ये खुद को सिद्ध पुरुष कहता है। इनका कहना है कि हनुमान जी इन्हें सब समाधान बता देते हैं, और दिव्य जो जानकारी है जो किसी को मालूम नहीं होता, ये खुद हनुमान जी की कृपा से अपने यहाँ आने वाले भक्तों को बता देते हैं। जब यह कार्यक्रम इनका नागपुर पहुंचा, महाराष्ट्र पहुंचा, तो वहां इन्हें कड़ी चुनौती मिली। कड़ी चुनौती इस रूप में मिली कि अगर आप हमें हमारे 10 लोगों के बारे में जानकारी दे देंगे तो हम आपको 30,00,000 रुपए देंगे। कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले ही बाबा जी वहां से निकल गए। अब एक और नई चुनौती है जो कि पर्चा के रूप में हर जगह चस्पा की जा रही है। इस बार छत्रपति सेना ने उन्हें चुनौती दी है। ये तमाम संगठन हिंदूवादी संगठन हैं। इन संगठनों ने ही अब बागेश्वर धाम सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। बड़े बड़े संतों ने, शंकराचार्यों ने यहां तक कह दिया कि बागेश्वर धाम सरकार उर्फ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो भी दिव्य शक्ति का दावा करते हैं वो सब पाखंड है, वो झूठ है, ऐसा होता नहीं है। लेकिन अब जो एक पोस्टर चस्पा हुआ है वो पोस्टर देखना जरूरी है। उसमें भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चुनौती दी गई है कि अगर आप हमारे कहे अनुसार हम लोगों की कुछ खुफिया जानकारी दे सकते हैं, गुप्त जानकारी आप बता सकते हैं, तो आपको मैं मान लूंगा, 21,00,000 रुपए भी दूंगा, लेकिन अगर नहीं तो जेल जाने के लिए तैयार रहिएगा। एक पोस्टर आप अपने स्क्रीन पर देखिए, इसमें लिखा हुआ है, पाखंडी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज को श्री छत्रपति सेना के ओर से 21,00,000 का इनाम। पाखंडी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज श्री छत्रपति सेना के 21 कार्यकर्ताओं के एटीएम कार्ड के पासवर्ड बताएं और 21,00,000 रुपए का इनाम जीतें। आयोजक ने अपना मोबाइल नंबर भी डाल दिया है। अब छत्रपति सेना ने जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चैलेंज किया है तो सोशल मीडिया पर एक बार फिर से बहस छिड़ गई है। क्या बागेश्वर धाम सरकार जो दिव्य शक्ति का दावा करते हैं उनके खिलाफ संत समाज और हिंदू संगठन हो गए हैं? क्योंकि दूसरी तरफ, एक तरफ तो दिव्य शक्ति का दावा है, दूसरी तरफ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लोगों का सपोर्ट अगर कोई तबका कर रहा है तो इसलिए कर रहा है क्योंकि ये बहुत ही आक्रामक तरीके से हिंदू धर्म के रक्षक के रूप में खुद को दिखाते हैं, सनातनी रक्षक के रूप में खुद को दिखाते हैं। और उसके लिए जब वो बोलते हैं तो उनके बोलने का लहजा इतना कड़वा होता है कि कोई भी सुने तो उसे गुस्सा आएगा कि क्या किसी संत महंत बाबा की वाणी इतने कड़क हो सकती है क्या। हमने बड़े बड़े संतों को, मोटिवेशनल स्पीकर को, धर्म गुरुओं को देखा जिनके वाणी में सौम्यता है, जिन्होंने अपने कथा वाचन की व्याख्या इस तरीके से की है जिसे सुनकर प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। लेकिन जब आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को सुनेंगे, अब कारण क्या है, उम्र का तकाजा है, काफी कम उम्र के हैं, युवा जोश है, इस वजह से उनके बोलने के लहजे में इतना कड़कपन है। अगर वो सिद्धि प्राप्त हैं, कोई सिद्ध पुरुष व्यक्ति इस तरीके से अपने सिद्धि का व्यापार नहीं करता, दरबार लगाकर इस तरीके से अपने आप को हनुमान जी का बड़ा भक्त और हनुमान जी से सीधे कनेक्शन की बात तो नहीं करता। कई लोगों को सिद्धि प्राप्त अगर होती भी होगी, साधना एक मार्ग है, तपस्या एक मार्ग है, भजन, भगवान के नाम का जाप, ये सब कुछ हमारे हिंदू धर्म में किया जाता है, बहुत अच्छी बात है, इसके लिए मैं सहमत हूं। लेकिन उस साधना, उस जाप का मतलब यह नहीं है कि हम किसी के मन की बातों को पढ़ लेते हैं और भगवान हमें बता देते हैं, नहीं। साधना का मार्ग, आस्था का मार्ग, श्रद्धा का मार्ग बस इतना है कि आप सही रास्ते पर चलें, आप सही कर्म करें, फिर आपके के लिए रास्ते जो है उसे हिसाब से बनते जाएंगे। इसका मतलब कतई नहीं होता है कि आपने कुछ किया है और बाबा के शरण में गए, बाबा ने समस्या बताई और उसका उपाय बता दिया, वो ठीक हो गया क्योंकि बाबा को हनुमान जी ने बताया, ऐसा नहीं होता है।
इसको लेकर कई संतों ने इस बात का खंडन भी किया। इस वजह से यह पर्चा अब जो चस्पा हुआ है, इस पर्चा में 21 लाख का इनाम है। अगर बाबा जी एटीएम का पासवर्ड बता देते हैं किसी का तो फिर वो मान लेंगे। हालांकि कई ऐसे मैजिशियन हैं, मेंटलिस्ट हैं, जैसे सुहानी शाह, इन्होंने तो आज तक चैनल पर लाइव श्वेता सिंह के सामने उनके बचपन के दोस्त का नाम बता दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा ट्रिक होता है, एक लॉजिक है, इसमें कोई दिव्य शक्ति या चमत्कार नहीं है, और ये से पाखंड भी मत कहिए, लेकिन जो बाबा अपनी दुकान इस भरोसे चला रहे हैं वो एक पाखंड है, वो धोखा है। ये एक मैजिशियन का ट्रिक है, लोग अपने कला से इस चीज को समझ लेते हैं, वो माइंड रीडिंग कर लेते हैं, मेंटलिस्ट हैं, मेंटल सिचुएशन को समझ लेते हैं, तो उस हिसाब से काम होता है। लेकिन अगर मैं उसमें भी मैं पूरी तरीके से यकीन नहीं करता, वो जादूगर है, कौन सा खेल करते हैं, वो ट्रिक नहीं बता रहे, फिर भी भगवान से कनेक्शन कर आस्था के नाम पर अंधविश्वास को बढ़ावा देना कहां से जायज है। इसी को लेकर कई लोग बागेश्वर धाम शास्त्री के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे। सबसे पहले इसकी शुरुआत मैंने कहा नागपुर में हुई थी। नागपुर में अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष श्याम मानव साहब ने इन्हें चुनौती दी थी कि आप हमारे 10 कार्यकर्ताओं की डिटेल बता दो, मैं आपको 30 लाख रुपए दूंगा, नहीं तो जेल जाने की तैयारी करो। और बाबा जी 9 दिनों का कार्यक्रम 7 दिनों में निपटाकर निकल पड़े। हवाला दिया गया कि उन्हें और भी बहुत जरूरी काम था, इस वजह से उन्होंने 7 दिन में ही से समाप्त किया। बाद में टीवी मीडिया चैनल ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को हाथों हाथ पकड़ा कि सर जी आइए आप हमारे यहाँ इंटरव्यू दीजिए। बाबाओं की पोल खुलने का दावा टीवी चैनल करने लगे। एबीपी न्यूज का पत्रकार वहां पहुंचा, उन्होंने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पोल खोलने की बजाय, उनके सच्चाई को दिखाने की बजाय, क्रॉस क्वेश्चन करने की बजाय दंडवत होकर बागेश्वर धाम सरकार की जय जयकार करने लगे, उनकी चरण वंदना करने लगे। आप किसको गुरु मानते हैं, किसके प्रति आस्था है, वो आपका निजी मसला हो सकता है, लेकिन एबीपी न्यूज जैसा चैनल उस चीज को प्रकाशित करे, उस चीज को अगर दिखाए, अंधविश्वास को, पाखंड को बढ़ावा दे, तो मीडिया की भूमिका पर तो सवाल खड़े होंगे। कैसे ये आरोप लगा कि फेसबुक पर दी गई जानकारी को ही बागेश्वर धाम सरकार ने त्यागी तिवारी जी को बताया, तो सवाल तो उठेंगे। वृंदावन के पहुंचे हुए संत गोविंद शरण जी, गोविंद शरण जी महाराज वो वैसे संत हैं जिनको सुनने के लिए, जिनके आस्था के आगे विराट कोहली और अनुष्का शर्मा जैसे लोग भी नतमस्तक हुए। उन्होंने कोई दिव्य शक्ति जादू चमत्कार की बात नहीं की, वो एक साधना, एक मोटिवेशनल स्पीच के तौर पर लोगों को जोड़ते हैं, समागम करते हैं, बातचीत करते हैं और कथा वाचन से एक नई राह दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के ऊपर भूत आ गया है, किसी के ऊपर हनुमान जी आ गए हैं और भूत को भगाया जा रहा है, शक्तियां उनके अंदर निहित हो गई हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसका मतलब है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस विद्या को लेकर तो चुनौती है, इसे साबित तो करना पड़ेगा। दिव्य शक्ति नहीं है, यह एक लॉजिक है, यह भी स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि इनके बारे में जो जानकारी आई उसके मुताबिक तो यही है कि ये बहुत ही गरीब परिवार से थे। इनके दादाजी उसी बागेश्वर धाम सरकार वाले हनुमान जी के मंदिर में, छोटा सा मंदिर था, उस मंदिर में आए थे, वो किसी अखाड़े से दीक्षा प्राप्त कर आए, धीरे धीरे उस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, मंदिर बड़ा हुआ, फिर बाद में आकर वहां पर दरबार लगने लगा। दरबार लगाने का काम इनके पोते ने किया, इनका नाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है जो बागेश्वर धाम सरकार के नाम से फेमस हुए। अब यहां पर हनुमान जी के कृपा से ये अर्जी लगाते हैं, पर्चा खोलते हैं, समस्या बता देते हैं, इलाज कर देते हैं, किसके अलमीरा में क्या है वो भी बता देते हैं। इसी को लेकर तो सवाल खड़े हो गए। अब जब चुनौती मिली है तो बागेश्वर धाम सरकार एक बार चुनौती स्वीकार करें और लोगों की समस्या पेटीएम जो भी है उसका पिन बताकर दिखा दे, सच्चाई सामने आ जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा भाई, और क्या कह सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।